पाकिस्तान रेंजर्स टीम के तावन से कराची पोर्ट ट्रस्ट ने यौम आशूर के रोज वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया। अजादारों को बरवक इलाज और तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए रेंजर्स सिंध हर साल नुमाइश चौरंगी पर मेडिकल कैंप का एहतमाम करती है, जहां रेंजर्स के डॉक्टर्स की जानिब से अजादारान को तिब्बी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात फराहम की जाती है। केपीटी के तावन से रेंजर्स सिंध की जारी मेडिकल कैंप में मुहर्रमुल हराम के जुलूस में शिरकत करने वाले अजादारान इमाम हुसैन को वैक्सीनेशन भी लगाई जा रही है। इस मौके पर केपीटी के नुमाइंदे का कहना था कि वैक्सीनेशन सेंटर पर शहरियों की बड़ी तादाद के 22 रेंजर्स के साथ मिलकर यहां कैंप का इनेकाद किया है। बेसिकली ये हमने रेंजर्स के ताबून से कराची पोर्ट ट्रस्ट के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जेरे एहतमाम हमने जो है एक वैक्सीनेशन कैंप जो है उसका यहां पे इनेकाद किया है, और इसमें जितने भी आशूरा के दिन आज़ादार हुसैन हैं और बाकी आम जनरल पब्लिक जो भी हैं उनको हम वैक्सीनेशन के हवाले से फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारे पास साइनोफॉर्म और साइनोवैक जो है अवेलेबल है, और इसमें जैसे बाकी जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं कराची में वहाँ पर बहुत लंबी कतारें जो हैं वो लगी होती हैं, तो हमारा मेन एम ये था कि यहाँ पर हम लोगों को खुद उनके रीच आउट करके उनके पास आकर उनको वैक्सीनेशन करें। मातमी जुलूस में किसी भी हंगामी सूरतेहाल से निमटने और आज़ादारों को फौरी तिब्बी सहूलियात रेंजर्स के इस कैंप में फराहम की जाती है। साला साल की तरह रेंजर्स यौम आशूर के मौके पर भी अपनी खिदमात सर अंजाम देती नजर आ रही है। कैमरामैन साकिब अली के साथ सैयद नवान गुल, C110 न्यूज कराची। C110 न्यूज, खबर की असल खबर।